तो किसी भी पैटर्न के थ्रू कोई भी तरीका का यूज करते हुए आपकी वेबसाइट पे जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट हो गया। यहाँ से किसी को ये ऑपरेट करना होता है, यहाँ से आवाज आ गई करते हैं तरमीर साहब, आप तो माशाल्लाह करते हैं, जरा आवाज वॉल्यूम को ढूंढ के कहीं जहाँ वॉल्यूम लिखा हो ना उसको घुमा दें थोड़ा सा, रोशनी की जरूरत होगी आपको। तो बिल्कुल आवाज बंद नहीं, काफी ठीक है। तो उस जावास्क्रिप्ट के कोड को हम मुख्तलिफ तरीकों से इंजेक्ट होने से रोकते हैं। उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास एक फंक्शन है, जब भी आप कोई यूज़र से इनपुट लें, कोई भी इनपुट लें, चाहे वो ईमेल हो, पासवर्ड हो, नाम हो, फ़ोन नंबर हो, एक्स वाई जेड, कोई भी इनपुट, यहाँ तक के चेक बॉक्सेस भी हों, उसको भी आप इस एचटीएमएल एंटिटीज़ के फंक्शन से गुजारने के बाद फिर आप यूज़ करें। अच्छा, वो करता क्या है, लास्ट टाइम हमने इस पर भी बात की थी, चलें इसको आज हम थोड़ा सा और एक मैं स्ट्रीम डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो मैं इसमें लेता हूँ स्क्रिप्ट से अलर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इनपुट है और मैं इसको कर देता हूँ इको। अच्छा इंसिडेंट ऑफ अलर्ट, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, ये एक डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होना जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जो कि आपको कंसोल विंडो में, जो फायरबग की विंडो है उसमें आपको जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज जो है वो वहाँ पे शो करते हैं, किस तरह से वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ रहा है, बेसिकली इसने किया क्या कि मेरी कुकीज़ में जो कुछ मौजूद होगा इस डोमेन के हवाले से ये वो वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो है वो आपकी कुकीज़ रीड करने के लिए। तो अगर यही कोड समहाउ कोई शख्स आपके कोड में इंजेक्ट कर दे या किसी तरह इनपुट दे दे तो वो आपकी कुकीज़ रीड कर लेगा, और कुकीज़ में नॉर्मली सेशन आईडी मौजूद होती है। किसी की भी सेशन आईडी स्टील करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको एक उसको एक लिंक दे, बोलो कि यार ये लिंक खोलना, मतलब मैं आपस में दोस्त बात कर रहे हैं चैट पे और आपने अपने कोई एक स्क्रिप्ट लिखी उसकी कुकीज़ को रीड करने के लिए, जैसे ही वो उसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करेगा उसमें आपका कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट का है और वो एग्जीक्यूट होगा और वो उसकी कुकीज़ रीड करके उस आपको ईमेल भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट तो चल रहा है, ईमेल भी हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आपके पास आ जाए, अब आपके पास जब वो सेशन आईडी आ गई, किसी की भी आपने एक दफ़ा सेशन आईडी हाईजैक कर ली, तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी पहले भी बताया था कि अगर किसी की सेशन आईडी आपको मिल जाए तो जो इख्तियारात उस सेशन आईडी वाले के पास उस वेबसाइट पे हैं वो तमाम इख्तियारात, वो तमाम अथॉरिटी, वो तमाम एक्सेस आपको भी मिल जाएगा उस सेशन आईडी के थ्रू, ठीक है जी। तो सेशन आईडी को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। इसकी एक प्रिवेंशन तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एचटीएमएल एंटिटीज़ यूज़ कर लें, अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, ये इसने प्रिंट कर दिया, और इसको अगर हम व्यू सोर्स करता हूँ तो ये इसने इस तरह से इसको कंसिडर किया है। लेकिन कुछ केसेस में ये HTML एंटिटीज काम नहीं भी करता, ठीक है। अब वो केसेस मैं हाइड रखता हूँ। खैर मुख्तसरन एक ही ऐसा केस है
जहाँ पर ये काम एस्टिमेट एंटिटीज भी काम नहीं करता, तो वहाँ पर अब आपको खर्चा है कि यार वहाँ ये चीज़ बाईपास हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम नॉर्मली, अब आपको अगर खर्चा है या आपको फी अच्छा नॉर्मली, और वो चीज़ खैर इसका प्रिएम्प्टिव एक्शन ये है कि अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो गया ये मेरे लिए थ्रेट बन सकता है, तो आप हम वहाँ पर नॉर्मली करते ही हैं कि str replace का फंक्शन जो है इसमें हम करते ही हैं कि स्क्रिप्ट, अब आपको पता है कि वो जावास्क्रिप्ट का कोड हर हाल में इंजेक्ट करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट उस सूरत में ही एग्जीक्यूट होगी जब उसमें स्क्रिप्ट का टैग मौजूद हो, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्क्रिप्ट का टैग हटा दूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही तब होती है जब उसके साथ स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है ये। अच्छा, ये भी हो सकता है और टाइप इसकी इसके साथ ये और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये चीज़, मुझे पता है कि ये चीज़ तो लाजमी होगी और इसके दरमियान स्पेस भी नहीं हो, अगर वो स्पेस देगा तो ये वैसे ही नहीं एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इस तरह से तो मैं अगर इसको पकड़ के रिप्लेस कर दूं नल से, जो भी मेरा सब्जेक्ट है, इस सूरत में भी आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने से रोक देंगे अगर आप यहाँ पे एचटीएमएल एंटिटीज नहीं करते। ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो इसके प्रीएम्प्टिव एक्शन हैं जो कि हम लेते हैं, एक एचटीएमएल एंटिटीज, दूसरा जो है वो। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर हम एचटीएमएल एंटिटीज यूज़ नहीं करते। हमारे पास टेक्स्ट एरिया जहाँ पर, जैसे आपने आप में से अक्सर किसी ने अगर वर्डप्रेस यूज़ किया हो, या हमारे पास वो जो एक टेक्स्ट एडिटर होता है वेब बेस्ड, अच्छा उस वेब बेस्ड में मेरे पास कोई एग्जांपल शायद अभी शायद देख लेते हैं। ये टेम्पलेट है, इसमें यहाँ पर एक अगर टेक्स्ट एडिटर होगा यकीन जी रहा। अच्छा अब ये टेक्स्ट एडिटर है, बेसिकली ये करता क्या है कि जो भी आप यहाँ पर हम प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसको अगर आप इसकी एचटीएमएल देखें तो ये एचटीएमएल को बैकएंड पे एचटीएमएल बना रहा था, इसकी एक फॉर्मेटिंग कर रहा होता है जिसमें ये टैग्स को इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब अगर इस जहाँ पर आपने ये टेक्स्ट एरिया और ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है, यहाँ पर अगर आप ये जो इनपुट आपके पास आ रही है, इस इनपुट को आप अगर एचटीएमएल एंटिटीज से गुजार देंगे तो ये आपकी जो फॉर्मेटिंग, जो यूज़र जिस तरह की चाहे वो क्या करेगा, जब यही इनपुट प्रिंट होगी तो आपने तो दिया था एक फॉर्मेट कि जी इस पैटर्न पे होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेंट्रल लाइन होना चाहिए, तो वो पूरी पूरी ये एचटीएमएल प्रिंट कर देगा लाके, जो भी यहाँ जनरेट हो रही होगी वो HTML प्रिंट हो जाएगी अगर आपने इस टेक्स्ट एडिटर को HTML एंटिटीज से गुजार दिया, क्यों, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा लेस देन ग्रेटर देन साइन, तो वो तो टैग थे जिसको आपने रेंडर करना था, ना कि आपने वो पूरा HTML का कोड दिखाना था। तो इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया लगाना भी मजबूरी है, और ये मुझे टेक्स्ट एडिटर देना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं अब दे तो रहा हूँ और यहाँ मैं HTML एंटिटीज भी नहीं लगा रहा, तो अब HTML एंटिटीज नहीं लगा रहा जो कि लगा नहीं सकता, तो अब मुझे XSS अटैक से बचना भी है, तो यहाँ पर आप ये वाला पैटर्न स्ट्रिंग रिप्लेस मान लें कि अगर वो कहीं इस कोड में स्क्रिप्ट टैग लिख देता है, अब आपने उससे बचना है तो आप स्क्रिप्ट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें, तो यहाँ पर आप XSS से बच जाएंगे, अब HTML एंटिटीज यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये काम करेंगे। तो अब आप किसी के टेक्स्ट एडिटर पर जाके ये टेस्टिंग मत शुरू कर दीजिएगा कि इसने किया या नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, दोनों केस क्लियर हो गए। अच्छा आगे चलते हैं जरा। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास इंतहाई
खतरनाक वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन से मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वेबसाइट पे कोई हैकिंग की अटेम्प्ट होती है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एक होती है ख्वाहिश, जैसा मैंने बताया डीडॉस में कोई उसको फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता, बस वो अगले की वेबसाइट बंद कर देना या एक ईगो या किसी को नुकसान पहुंचाना कि किसी तरह से उसकी वेबसाइट जो है वो एंटरटेन ना हो। एक तो वो हैकर है कि जो सिर्फ अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उससे फाइनेंशियल उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन वो चीज़ है जिससे आप सामने वाले की वेबसाइट पे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला, यानी कि उसकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, वो भी दूसरा डेटा जो है वो चोरी भी कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को बंद भी कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट से डेटा भी चोरी कर सकते हैं, उसका डेटाबेस डिलीट भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यानी कि सारे काम इस इंजेक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं अगर आप किसी वेबसाइट पे ये इंजेक्ट करते हैं तो। अच्छा, नॉर्मली जो एसक्यूएल इंजेक्शन लगाया जाता है वो लगा है इनपुट फील्ड या यूआरएल के थ्रू ही जाता है, जहाँ से भी आप इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। तो हम एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो बेसिकली लगाया जाता है डेटाबेस में, किसी भी फील्ड के थ्रू आप अपना इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। अच्छा जी, और हम यहाँ पर करते हैं, अच्छा मुझे यहाँ डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मैं जल्दी से बना लेता हूँ माई सीक्वल कनेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और अच्छी आपको एक खबर दे दूँ, माई सीक्वल अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आप अगर माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं या माई सीक्वल आई यूज़ कर रहे हैं, तो माई सीक्वल के ऊपर जो एक टिपिकल पैटर्न है इंजेक्शन लगाने का वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर लग नहीं सकता, लेकिन जो एक आसान जो कह लें कि बचकाना तरीका है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन इसको भी बाईपास कर दिया जाता है और हो सकता है, ठीक है। और जो टिपिकल तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने का वो इस्तेमाल होता है पीडीओ के ऊपर, पीडीओ कनेक्शन भी हम बनाते हैं फॉर डेटाबेस और उसी तरह से काम करता है जिस तरह MySQL है, बस एक ये लाइब्रेरी अलग है और उसके फंक्शंस और फीचर्स थोड़े से अलग हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं। तो काफ़ी सारी जगहों पे पीडीओ लाइब्रेरी भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि MySQL PHP के अंदर जो एक रेडीमेड ORM कह लें आप, जो पीडीओ लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी देखते हैं और पहले MySQL से भी देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, लोकल होस्ट मेरे पास यूज़र नेम है, रूट फिलहाल पासवर्ड कोई नहीं है, कनेक्शन बन गया और उसके बाद MySQL DB हम कोई टेम्परेरी ले लेते हैं,
डेटाबेस इस्टेब्लिश हो गया। अब मैं एक क्यूरी लिख लेता हूँ, इसमें कोई टेबल मौजूद है। मैं एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स डॉलर आईडी। अच्छा, आईडी ये कोड तब एग्जीक्यूट हो जब हमारे पास ये फॉर्म पोस्ट हो गया है, ठीक है जी। तो मैं पोस्ट के अंदर इसको इनक्लोज कर देता हूँ। और आईडी हम उठा लेते हैं इस पोस्ट से। अच्छा, अब आप इसको एचटीएमएल एंटिटीज से भी गुजार लें तो भी एसक्यूएल इंजेक्शन की जो प्रिवेंशन है वो एचटीएमएल एंटिटीज नहीं है। यानी कि आप एचटीएमएल एंटिटीज भी लगा दें तो आप एसक्यूएल इंजेक्शन से नहीं बच सकते। तो उसके लिए कुछ और काम करने पड़ते हैं, वो मैं बताया था। हमारे पास यहाँ पर आईडी आएगी और ये आईडी मैं इस क्यूरी में पास कर देता हूँ। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं MySQL क्यूरी। उसके बाद हम करते हैं इसको डंप कर देता हूँ फिलहाल। मेरे पास यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ एग्जांपल 1। मेरे पास ये एक रिकॉर्ड उठ के आ गया डेटाबेस से। अच्छा, ये तो मैंने काम किया सीधा सीधा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देता हूँ 1, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली जो एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि आप हिडन ट्रायल करते हैं और अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ये वाली वैल्यू डेटाबेस में जा रही है और वहाँ पर आप टेस्ट करते हैं कि जी हो सकता है इसने इंजेक्शन की प्रिवेंशन जो है वो नहीं लगाई भी, हिडन ट्रायल। तो उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन लगता है इस तरह से कि आप एग्जिस्टिंग क्यूरी को बाईपास करते हैं, यानी एक तरह से ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, अच्छा एक और मैं क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ एक और टेबल है टेस्टिंग, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्टिंग, ठीक है। ये दो क्यूरीज हैं। अच्छा, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो यकीन कर लें दो ही क्यूरीज हैं, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को एग्जीक्यूट एक साथ करना चाहूँ तो ये नहीं एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों क्यूरीज के साथ ये टर्मिनेशन सेमीकॉलन लगा दूं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और फिर दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करूं तो ये हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक क्यूरी, अब ये जो मैं इनपुट दे रहा हूं ये मेरे पास जा रहा है इस जगह पे, तो अगर मैं इस क्यूरी को टर्मिनेट कर दूं और आगे अपनी एक और क्यूरी लिख दूं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं यहां पे वन देता हूँ, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, ये इससे नीचे और ज़्यादा ऊपर हो नहीं रही, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब ठीक है, इधर कर दो प्रोजेक्टर सर, थोड़ा सा आप ठीक है।
अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर इस क्वेरी को बाईपास कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जहाँ एग्जीक्यूट हो रही है या जिस जो डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, तो ये क्यूरीज हैं कि जी शो डेटाबेस, शो टेबल्स, डिस्क्राइब टेबल, ये तमाम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्यूरी यहाँ जाके लिखूँ शो टेबल्स, तो इस डेटाबेस में जितने भी अच्छा जी, अब ये क्यूरी आपकी बनी, चलिए मैं खाली इसको हम अपडेट कर देता हूँ मैं टेबल डाटा में। ये आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया, सिंपली मैंने सही वाली इनपुट दी थी तो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है इन दोनों ई वैल्यूज़ को उठाया। अब यहाँ पे आप HTML एंटिटीज़ भी उठा लगा लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, इसमें दो इनपुट वैल्यूज़ ले लिया हमने, एक ईमेल की दूसरी पासवर्ड की, और उसको हमने उठा के यहाँ पे क्यूरी के अंदर दे दिया। अच्छा, अब मैं इस क्यूरी को करता हूँ बाईपास, मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ यही ABC डोमेन, ठीक है, पासवर्ड में देता हूँ कुछ भी अलग अलग, ठीक है, और इसके बाद लिखता हूँ और 1=1, रिकॉर्ड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हैं जी, ईमेल और पासवर्ड मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास दो हैं और 1=1, या मैं यहाँ पे कुछ देता ही नहीं, चलो ए दे देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद ये आएगा सिंगल कोट्स में, मैं यहाँ पे देता हूँ सिंगल कोट, और अच्छा अब ये इनपुट बनेगा यहाँ पे, इसकी जगह पे लिखा हुआ जाएगा ए, और उसके बाद मैंने सिंगल कोट दे दिया, एक और सिंगल कोट है। अच्छा, अब इस सिंगल कोट को मुझे बाईपास, इस वाले सिंगल कोट को बाईपास करना है, यानी कि ये क्यूरी ख़राब कर रहा है, बात समझ रहे, यानी कि वो चीज़ जो इनपुट में दे रहा है वो यहाँ पे आके फिट हो रहा है, अब वो इस फिट होने की वजह से मैं कहता हूँ यहाँ पे कि अब मुझे इस सिंगल कोड को किसी तरह से ख़त्म करना है, एक सिंगल कोड तो ये वो यहाँ पर आ गया, इसके बाद एक और सिंगल कोड क्यूरी का लिखा हुआ है, सिंगल या डबल कोड, तो अब मैं यहाँ पे स्पेस देके एक दफ़ा और सिंगल कोड दे दूँ, तो अब स्पेस देके यहाँ पे एक और सिंगल कोड आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ट्राई कर लेते हैं कि ये चलती है नहीं चलती, के अंदर हमने दिया था ईमेल, पासवर्ड हम देते हैं सही वाला। चलिए, ये क्यूरी बनी, ठीक है, ये इंजेक्ट नहीं हुआ फिलहाल क्योंकि ये क्यूरी गलत, क्यूरी अभी भी गलत, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और सिंगल कोड का इजाफा कर दूँ, सिंगल कोड देने क्यूरी में
देखिए जो हाँ नहीं हाँ तो हमारे पास क्यूरी बन गई है ये ठीक है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा अगर स्मार्टली मुझे एग्जैक्ट और की बात क्या करूँ ऐसे हाँ हो सकता है इसको चला के देख लेते हैं।